क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी कहाँ घुमाऊं? इन लोगों ने पता नहीं अभी क्या देखा ना, उसको पीछे चले गए ये सूंघते सूंघते। आ जा मैक्स। हम लोग वैसे तो इस लोकेशन पर रोज आते हैं घूमने के लिए ना, आज पर थोड़ा सा थकान लग गई ऊपर चढ़ाई चढ़ने में। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? तो स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो ना बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम छोटी वाली आमा का ऑपरेशन हुआ था ना, उनको लेके जाने वाले हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उनके जो टांके लग रखे थे ना वो कटवाने आज। तो मैं जा रहा हूँ, विमल जाएगा, आमा जाएगी और साथ में मम्मी पापा भी जा रहे हैं। तो भाई पहाड़ों में मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है और डे बाई डे ना अब गर्मी बढ़ने लग गई, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, बारिश हो रही थी ना तो मस्त ठंडा हो रहा था, पर सुबह शाम बहुत ठंडा है। मैं क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम घूमने जाता हूँ तो ठंड लगती है पूरा, एकदम प्रॉपर जैकेट वैकेट पहन के आराम से घूमने हम लोग निकलते हैं। आजकल छुट्टी है ना, घर में आ रखा हूँ, तो मैं मतलब एकदम पहाड़ी और गाँव की देसी लाइफ इंजॉय करने में ना बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ पर। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को मौका मिलता है ना तो एक बार ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करना आप लोग पहाड़ों में जाके। तो फिलहाल अभी चलते हैं, आमा को तैयार करते हैं फटाफट और उसके बाद निकलते हैं। बूजी और आमा दोनों धूप में बैठे हुए हैं। मन्नू थोड़े चावल दे। तो आज मैंने चिड़ियाओं को खाना डाल रहा हूँ बहुत दिनों बाद, क्योंकि बीच में चाचा ही डालते थे। मैंने ना चिड़ियाओं के लिए खाना तो डाल दिया, अब देखते हैं कितनी आती हैं। आज उसे मैंने बहुत टाइम बाद डाला वहाँ पर खाना, बूजी चल रहे हैं अभी वहाँ पे, तो देखते हैं अभी चिड़िया आती नहीं आती, मैं उन्हीं के इंतज़ार में बैठा हूँ। तो फिर मैं कुछ दिनों बाद ना फिर इनके लिए बढ़िया से फीडर भी बना दूंगा, तो फीडर में खाना डाला करेंगे, फिर ऐसे नीचे नहीं डालेंगे, उसमें पानी और खाना दोनों रहेगा उनके लिए। एक चिड़िया आई तो सही है, यहाँ पर ऊपर है, पर ये चावल नहीं खाती है, ये नॉन वेज वाली है। दरवाजा बंद करना गाड़ी बाल्टी। चलो फिर हैं बाल्टी का किशोर तो कहीं जग रख पाट बैठे नाम के ना बोला ना ना कर से कर लियो जग रख वाले ना। हां हां बिल्कुल।
परेशान तो फाइनली हम लोग भी निकल गए घर से। अब हाँ, हाथ जोड़ने में लगी हुई है। तो अभी हम लोगों ने ना रास्ते में एक ब्रेक लिया था, अभी थोड़ा सा भूख लग गई है, कुछ खाते हैं क्योंकि मैं नाश्ता बहुत कम करके आया था और आमा को भी उल्टी हो रही है तो थोड़ा रुक गए। विमल पानी भर ला वहाँ धारे से, मैं भी खा रहा हूँ। दो इसमें निकालो ना प्लेट में। लोहाघाट से हमने पकौड़े खरीदे, तो पकौड़े खा रहा हूँ। गिराना मत गाड़ी में, ये उसके दाग निकलते नहीं है। मम्मी बढ़िया हो रही है, चटनी पौधे नहीं किया। वो बेवकूफ है, रिपोर्ट इसी की गलत आएगी। तू तो बाहर की चीजें खाता ही नहीं है, चक्कर में खाना पड़ रहा है। नहीं तो भयंकर है ना। हाँ, कितना ट्रैफिक चल रहा है रोड में। हम लोग भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और आमा को बीच में थोड़ा बहुत उल्टी तो हुई थी, अब तो फिलहाल ठीक है। और विमल और पापा गए हैं अंदर पता करने के लिए कि यहाँ पे नानामा के टाँके कट जाएंगे या नहीं, नहीं तो फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाएंगे। अगर वहाँ पे भी नहीं हुआ तो फिर तो भाई हल्द्वानी ले जाना पड़ेगा, हल्द्वानी या खटीमा वगैरह, नहीं तो फिर दिल्ली लेके जाएंगे। और भीड़ देखो हॉस्पिटल में कितनी ज़बरदस्त है, पूरा पार्किंग फुल है। विमल पता करके आ गया, शायद यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी नानामा को यहाँ से ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं, तो वहीं जाके अंदर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से कहाँ? तो नानामा का ट्रीटमेंट हो गया है यहाँ पे, हम लोग ना वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। और ये रही आमा, मम्मी और पापा का वेट कर रहे हैं, वो लोग गए हैं अभी अंदर डॉक्टर के पास। आराम से आराम। हाँ सर, ये खींच खींच, पकड़ो आगे से, पीछे ही पकड़ो। तो फाइनली नानामा के टांके कटवाने के बाद ना हम लोग भी घर को निकल गए हैं और विमल यहाँ से कुछ सामान ले रहा है, उसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं घर की तरफ क्योंकि लेट भी हो रहा है, तो टाइमली घर पहुँचेंगे। सर अभी टाइम हो गया शाम के 6:15 हो रहे हैं और हम लोग अभी पार्टी पहुँचे हुए हैं। हमारे घर के पास में जो शहर है छोटा सा, तो यहाँ से ड्राइवर चेंज हो गया, अब विमल यहाँ से ड्राइव कर रहा है और मैं पीछे मम्मी लोगों के साथ आगे बैठ गया हूँ। आम और विमल आगे बैठे हुए हैं। तो आज सभी लोगों का ना लगभग फिटनेस टेस्ट था, तो अभी मेडिसिन वगैरह लिख रखी हैं इन लोगों के लिए, अभी देखो कितने टाइम चलती हैं।
मेडिसिन कितने टाइम चलती है, ये कितने टाइम चलती है, ऐसे कहाँ बोला मैंने, मैंने बोला मेडिसिन देखो कितने समय चलती है, ये कितने टाइम चलती है, कहा एक ही बात है वैसे। तो फाइनली हम लोग भी घर पहुंच गए हैं और आम अभी अब चल के घोट जाने लग गई है, बूबू जी भी खुश हो गए और मैक्स बेचारा बहुत दिन से ढीला है, कल इसे भी हॉस्पिटल ले जाना है, इसका पैर कट गया था कांस से तो इसको कल हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, एक बार दिखा के लाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसके पैर में, नाखून कट गया पूरा, तो अब एक चक्कर इसको घुमा के ले आता हूँ। मैक्स चल, चला इधर, यहाँ चेन दे, इधर यहाँ चला जा है। हम लोग वैसे तो इस लोकेशन पर रोज आते हैं घूमने के लिए ना, आज पर थोड़ा सा थकान लग गई ऊपर चढ़ाई चढ़ने में, वो नीचे से चढ़ के आए हम लोग वहाँ से, क्योंकि एक तो पानी भी आज दिन में कम पिया है और सुबह से ड्राइविंग कर रहा था, आज दादी को लेके गया था, उनके पैर के टांके खुलने थे तो उनको लेके गया था, इसलिए थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है, और ये तो चढ़ ले रहा फटाफट। मैक्स कहाँ जा रहे हैं, वहाँ चला, देख वापस आएगा सीधा, जल्दी आ, मैक्स क्यों गया वहां, क्यों गया, चल चल सीधा, चलो आगे, चल जल्दी जा, अब नहीं जाएगा। तो कल मैक्स को भी हॉस्पिटल लेके जाना है क्योंकि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और वो सामने सूरज देवता ढलने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो अपनी लोकेशन पर आज मैं सबसे पहले पहुंचा और रिंकू अभी तक नहीं पहुंचा है, पीछे से आ रहे हैं ये लोग, अरे बड़े स्लो आ रहे हो तुम लोग। रिंकू मैक्स और जैकी को साथ में लेके आ रहे हैं, और ये देखो सामने सनसेट कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ से, इस लोकेशन पर आके ना जो व्यू आते हैं इतना ज़बरदस्त मज़ा आता है यहाँ से देखने में ना, देखो सामने पूरा शहर दिखता है वहाँ पे, और यहाँ से सनसेट दिखता है, और सुबह आए तो यहाँ से सनराइज पॉइंट है, तो मतलब पहाड़ों में ना ये सब चीज़ें मेरे को एक्सपीरियंस करना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, और अगर मैं तो जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं तो वीडियो के थ्रू भी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कभी ऐसे मौका मिले ना पहाड़ में टाइम बिताने का मौका मिले, तो सुबह शाम आप यहाँ से सनसेट और सनराइज जरूर देखना, बहुत मजा आएगा आपको। ये पूरा एक हॉस्पिटल है, पहाड़ एक हॉस्पिटल ही जैसा है, क्योंकि आधी बीमारियां यहाँ हमारे पहाड़ों में सही हो जाती है, क्योंकि चलना फिरना ऊपर नीचे उतरना इतना हो जाता है ना, तो हमारे लंग्स हार्ट रेट वगैरह सब कुछ मतलब बढ़िया फर्स्ट क्लास चलते हैं। इन लोगों ने पता नहीं अभी क्या देखा ना, उसको पीछे चले गए ये सूंघते सूंघते। आ जा मैक्स, चल चल जैकी, चल मैक्स आ जा, चल। तो अभी हम लोग यहाँ जंगल में बैठे हुए थे ना, यहाँ पे जंगली जानवर भी घूमते हैं, तो शायद क्या पता कोई जानवर आया हो तो उसके पीछे ये लोग भाग गए हो। चल सीधा, कुछ जानवर ही होगा यार, कोई जानवर ही होगा पक्का, खरगोश होगा यार, सियार होगा जंगली, हाँ पर सियार का एक खतरा रहता है, अगर सियार अगर झुंड में होंगे ना तो कुत्ते पर अटैक कर देंगे वो, अकेला होगा तो भाग जाएगा। चलो चलो भी अब घर को जा रहे हैं, क्यों हम लोग भी ना अब घर को जा रहे हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हो पीछे सूरज देवता भी जा चुके हैं, तो ज़्यादा देर तक यहाँ बैठना ठीक नहीं है, हम लोग थोड़ा उजाला जब रहता है ना तब निकल जाते हैं घर को, वैसे जो लोकेशन जितनी अच्छी होती है ना उतनी खतरनाक भी होती है फिर, ये बात सही है ना। बिल्कुल सही है, मैक्स कहाँ गया, चल चल आ जा, पूरा वो मैक्स आ गया वो। चल फिर है, मिलते हैं सुबह, मिलते हैं सुबह, मिलते हैं, बाय बाय, चल 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 आ जा, बाय बाय बोलो, चल ठीक है बाय। मैक्स ना ऊपर ही रुक गया पापा के पास दुकान में, पापा बैठे थे तो उनके पास ही बैठ गया, फिर मतलब ही नहीं एक बार वो बैठ गया तो पापा वहाँ पर हों और वो घर आए, तो मैं छोड़ के आ गया उसे और मैं जा रहा हूँ घर, अभी देखो अंधेरा हो गया पूरा।
क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी कहाँ घुमाऊ, सुबह खोलूंगा इधर को, कल सुबह खोलूंगा। तू क्या कर रही, तू क्या कर रही? सुबह खोलूंगा। तो मम्मी ने ना अभी गायों का दूध निकाल दिया, मैं अभी ऐसे ही देखने आ गया था शाम के टाइम। अभी गाय तो शाम के टाइम ना मैं गोट गाय के बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मम्मी लोग दूध निकाल रहे होते हैं, डिस्टर्ब होता है, फिर गाय दूध नहीं देती है। सुबह चलेगा घूमने? रोज हाँ बोलता है, सुबह उठता नहीं है। आज पता नहीं क्या हो रहा है ना, पूरी बॉडी टूटी टूटी सी लग रही है, और एक थकान इतनी ज़बरदस्त हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हॉस्पिटल में वेट करना पड़ा था। तो मैंने अपना बिस्तर लगा लिया है यहाँ पे, तो मेरा बिस्तर तो यहाँ पे लग चुका है, और साथ में मैं देख रहा हूँ मैच। शायद क्या पता मेरे को ना मैच देखते देखते नींद आ जाए, तो इस वीडियो को मैं पहले ही यहाँ पे एंड कर देता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए यार। जल्दी जल्दी हमने अपनी फैमिली बड़ी करनी है, यूट्यूब फैमिली जब बढ़ जाएगी ना अपनी, तो और भी इंटरेस्टिंग उसमें वीडियोज़ आने लग जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही, बाय बाय।